तो डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, तो इंट्रेंसिक में इट इज अ प्योर सेमी कंडक्टर मटीरियल एंड नो इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड टू इट। तो ये प्योर जो है क्या है, इंट्रेंसिक में प्योर होता है, इसमें इम्प्योर होता है, इसमें डोपिंग की जाती है। एग्जाम्पल्स आर प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसमें एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम को डाला जाता है ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट डोपेंट के साथ। इसके अंदर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर सेम, इंट्रेंसिक में एन ई और एन एच बराबर होता है, इसमें बराबर नहीं होता, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पी टाइप में होल्स मेजोरिटी कैरियर होते हैं। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है, डोपिंग करने से या तो होल्स बढ़ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो दोनों में एक फ़ायदा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों में ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। अब होगा क्या, इंट्रेंसिक प्योर है, आप जीरो केल्विन पे, इसमें कोई कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना टेम्परेचर बढ़ा उतने इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, तो टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतने ही वैलेंस बैंड से निकल निकल के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी भी। मतलब अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन चला गया लाखों एटम में से, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ होगी, 2 लाख जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 2 लाख जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अंदर टेम्परेचर के साथ साथ डोपिंग पे भी डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर आपने डोपेंट कर रखे है, मान लो 500 डोपेंट डाल रखे हैं, तो 500 फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री के मिल रखे हैं आपको, 1 लाख तो जो टेम्परेचर से बढ़ेंगे बढ़ेंगे, 500 और है डोपिंग की वजह से, तो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसमें आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन या होल्स को डाल रखे हैं। टेम्परेचर से जो अफेक्ट आएगा आएगा, डोपेंट से भी अफेक्ट आएगा, तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी।